नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आज हम आपको मिलवाएंगे शिवपुरी जिले के एसपी राजेश सिंह चंदेल से, जिन्होंने शिवपुरी को कोरोना से मुक्त कराने का संकल्प लिया है। शिवपुरी में अभी 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, इसमें से 1 नेगेटिव हो गया है। बात अगर एसपी की जाए तो बात सुरक्षा पर आकर घूमती है। शिवपुरी जिले की सीमाओं को एसपी शिवपुरी में पूरी तरह से सील कर दिया है। कोई भी बाहरी व्यक्ति शिवपुरी में आसानी से प्रवेश नहीं कर पा रहा है। और रही बात शहर और तहसील और ग्रामीण स्तर की सुरक्षा की, तो वहां भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। आपको पता है कि कोरोना जैसी भयानक बीमारी इस समय पूरे भारत में विकराल रूप ले चुकी है। चलिए अब जानते हैं इस विषय में क्या कहना है इनका। नमस्कार, मैं सुनील रजक शिवपुरी फास्ट समाचार से। आज हम आपको मिलवाएंगे शिवपुरी एसपी सरल स्वभाव के जाने माने चेहरे श्री राजेश सिंह चंदेल जी से, और आज इनसे जानेंगे कि क्या क्या अभी कोरोना देश में जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसमें अभी तक शिवपुरी में क्या क्या काम हुए, पुलिस कितनी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और आगे क्या प्लान है, और अभी तक पुलिस की सेफ्टी के लिए भी क्या क्या प्लान हुए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका फास्ट समाचार में। थैंक यू सर। अभी तक जो जो काम हुए और पुलिस की सिक्योरिटी में और जनता की सिक्योरिटी में क्या क्या काम किए जा रहे हैं और आगे क्या क्या काम किए जाएंगे सर, इसके बारे में कुछ जानकारी। देखिए, शिवपुरी में 21 मार्च से पहला केस आया था दीपक शर्मा जी का, और अब वो उसके बाद जैसे ही खबर आई थी तो कर्फ्यू जैसा एक लगाया गया था तत्कालीन शिवपुरी शहर में, क्योंकि ये लगा कि लोगों को मैसेज स्ट्रांगली देना बहुत जरूरी है, ताकि उनको ये रहे कि जो बात की जा रही है कि घर पर रहें, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह की इतनी ज़्यादा ये महामारी कंटेजियस है कि किस कई तरीके से फैल सकती है, जरूरी नहीं कि आदमी आदमी को टच करे, उसकी किसी धरातल कोई वस्तु किसी चीज़ पर भी इससे भी ट्रांसफर हो सकती है। तो उसकी वजह से कर्फ्यू लगाने के बाद में हमें निश्चित तौर पर शिवपुरी में तो फर्दर अभी तक केस नहीं मिले हैं, राजेश्वरी कृपा भी है, कुछ लोग भी बाहर से आ रहे हैं तो हम लगातार उनको स्क्रीन करा ले रहे हैं और उनको चेक करा ले रहे हैं। अगर कोई सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे जिले में काफ़ी सारी लोग लेबर जो है बाहर रह गई थी, और कई सारे पैदल वाले हैं और वो जब आसपास प्रदेशों में से भी वापस आए हैं, तो उन सबको भी लगातार टेस्ट में रख रहे हैं, क्वारंटीन किया हुआ है, जनरली 14 दिन का क्वारंटीन किया हुआ है। ऐसे हमारे पास में 8-10 हज़ार लोग हैं जो बाहर से आए, तो थाने स्तर पे उनको जिला पंचायत और डीएमओ इनके साथ बात करके एक टीम बना ली है, तो किसी की भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो शेयर करते हैं। तो ज़्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गए कि किसी की कंडीशन थोड़ा सा भी सिम्टोमेटिक है, कुछ फीवर है कुछ है, तो उसको तत्काल चेक करें। दूसरा कि इसमें हम लोगों ने जब देखा तो शुरू में ही जैसे बात आई कि इतना कंटीजियस डिसीज है, तो इसमें जो फाइट करने के लिए हमारे पुलिसकर्मियों को रहना ही है, वो हम लोग कर्तव्य से बंधे हुए हैं, और ये बड़ा एक इस टाइम पे जो युद्ध सा है कोरोना से, उसके लिए हम लोग निश्चित तौर पे तैयार भी हैं। और इसके लिए फिर हमने अपने जितने कर्मी हैं उनको प्रोटेक्शन किटें भी दिलवाई, तो अपने प्रोटेक्शन किट में कुछ यहाँ लोगों से भी मदद ली और एक पर्सनल प्रोटेक्शन किट बनवा कर सभी थानों में दिए, जो 5-5 के हर थाने में है, तो उनको ये निर्देशित किया कि कहीं पर कोरोना संक्रामक व्यक्ति है या चौराहे पे खड़े हो जहाँ पे आपको लोगों को रुकना है, तो जो आदमी जल्दी से इंट्रैक्ट करेगा वो पर्सनल किट लगाए और साथ में चश्मा लगाए, मास्क लगाए, ताकि उसको इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि फोर्स में सारे लोग सबसे ज़्यादा पास में रहते हैं और इसमें इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा है, जैसे कुछ और शहरों में अभी देखने में आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर और उसके बाद पुलिस के संपर्क में आती है। एक तो हमारा फोर्स का आदमी को हमने सभी को सैनिटाइजर दिए हैं, मास्क प्रोवाइड किए हैं, 2-2 मास्क कम से कम दिए हैं, कुछ और लोगों ने थाना प्रभारियों ने कुछ लोगों ने व्यक्तिगत भी लिए हैं, उनके घरों को भी सैनिटाइज किया है, थानों को भी सैनिटाइज किया है, ऑफिसेज को सैनिटाइज करते हैं ताकि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस खुद अडॉप्ट करें। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि हमारा शिवपुरी की जनता भी इस मामले में बहुत सहयोग कर रही है, और जब ये लॉकडाउन के बाद जो कर्फ्यू हुआ तो उसके बाद से लोगों ने इसको सीरियसली लिया, अप्रिशिएट किया, जब उनकी कुछ बंदिशें स्वतंत्रताओं में भी बंदिश लगी है और जिसको थोड़ा रेजिस्टेंस आता है, लेकिन मेरे को लगता है कि 99% तक का हमको कंप्लायंस लोगों से स्वैच्छिक रूप से मिला है। अभी इसमें हमने इनके साथ में लोगों को इलेक्ट्रिक केटल दिए थानों पे ताकि थोड़ा गर्म पानी पीते रहे, यहाँ पर कुछ हमको समाजसेवी संस्थानों ने जैसे कि तथागत फाउंडेशन है, आरोग्य धाम है, इन्होंने हम लोगों को कुछ लोगों को पानी की फ्लास्क दी है ताकि गर्म पानी वो पी सके, खासतौर से ट्रैफिक वाले और जो मौके पर रहते हैं जिनको लगातार इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ताकि उनका गलम गर्म हो सके, जो प्रिवेंशन है जैसे हम चाहते हैं गर्म पानी पिए वो करेंगे। सभी को ये बता रखा है, जो मैं चाहूँगा जनता ही फॉलो करे, कि अगर बाहर निकलना है चाहे ड्यूटी की वजह से या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए आपको, तो आप वापस जाएं तो उसको बिल्कुल सीरियसली लें, और वापस जाने पे अपने सारे कपड़े जो आप पहने हुए हैं, जो भी चीज़ें इस्तेमाल की उनको तो धो लें अच्छे से, मोबाइल से लेकर हर चीज़ को सैनिटाइज कर लें,
और खुद बढ़िया से नहाने धोने के बाद में ही बच्चों से मिले, माता पिता से मिले, ताकि कोई इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। इसको विशेष तौर पे ध्यान सभी लोग रखेंगे और मेरा ख्याल है घर की जो बुजुर्ग हैं महिलाएं है, अगर इसको करेंगी तो निश्चित तौर पे हमारा हम इन्फेक्शन से संक्रमण से बच पाएंगे। तो इन चीजों का हम लोग सर, ये जो लॉकडाउन तोड़ने में क्या कार्रवाई हो रही है इसके द्वारा? इसमें अभी हम लोग करीब 60 के आसपास, 60 के आसपास केसेस अभी तक हमने 188 के रजिस्टर्ड किए हैं जिले भर में। और जो लोग बार बार कहने के बाद भी नहीं मान रहे हैं या अपराध करने की कोशिश कर रहे हैं या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं इस लॉकडाउन में भी, तो उन पर भी 188 की कार्रवाई हो रही है। साथ में ट्रैफिक के चालान भी बनाए जा रहे हैं। कुछ प्रिवेंटिव एक्शन भी पिछले 2-3 दिन से हमने लिए हैं और ऐसा किया है कि अगर व्यक्ति घूम रहा है उसका कोई खास कारण नहीं है, युवा व्यक्ति मोटरसाइकिल पहना अवश्य घूम रहा है, हमने सभी से अपील भी की थी और लगातार हम कहते रहे हैं कि अगर आपको अत्यावश्यक सेवाएं जो है, हमारा शहर या कस्बा जो है वो छोटे छोटे क्षेत्र में है, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप मोटरसाइकिलों से घूमें, क्योंकि उसका आपको पेट्रोल भी लगता है, अनावश्यक क्राउड बनता है, फिर मूवमेंट करने लगते हैं। जो लोग थोड़े से न्यूसेंस का एलिमेंट रखते हैं या सजग नहीं है या लापरवाह लोग हैं, वो इस तरह की चीजें करने लगते हैं, तो उनपे हम लोगों ने कार्रवाइयाँ भी करी हैं और कुछ को प्रिवेंटिव एक्शन काउंट भी कराया है। कल भी कुछ लोगों कराया था और जेल वाहन भी इस संबंध में लगाया गया था कि जेल वाहन अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके अरेस्ट भी करेंगे और प्रिवेंटिव अरेस्ट करके फिर उनको मुचल के भी छोड़ा गया है। तो ये सारी कार्रवाई पुलिस इसीलिए कर रही है, कहीं ना कहीं ये बात जाए कि भाई इतना आसान नहीं कि आप वॉयलेट करो, क्योंकि आप जैसे ही बाहर निकलते हो तो आप अपने आप को तो खतरे में डालते हो, समाज के पूरे सिस्टम को, पूरी कॉलोनी को आप खतरे में डालते हो, जिनकी अवेयरनेस है उतनी नहीं होगी या लोग झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन वास्तव में ये ठीक ट्रेंड नहीं है। जहाँ तक अत्यावश्यक सेवाएं हैं और कुछ बैंक के काम है जो शासन की तरफ से राहत राशि के रूप में चीजें जमा हुई हैं उनको हम अलाउ कर रहे हैं, तो जिन लोगों को बाहर निकलना है उनके लिए हमारी अभी तक यही है कि जब तक जरूरी ना हो आप गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, पैदल जाएं, पूरी तरीके से प्रोटेक्शन किट आप जो भी पहन सकते हैं जिससे पूरा बॉडी आपकी कवर रहे, मास्क 100% लगाएं, कोई मास्क अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है मेडिकेटेड कोई बात नहीं तो आप कम से कम अपने साफी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पूरे गांव क्षेत्र में साफी का प्रचलन है, काफी रुमाल का प्रचलन है, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहां पहुंचे तो जब भी जहां भी खड़े हों तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मिनिमम 3 फीट आपको रखना ही है, लेकिन 6 फीट तक अगर रखें तो आप ज्यादा सुरक्षित हैं। तो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, जब भी दुकानें खोलते हैं सबको हमने बोला हुआ है कि वो मार्क लगा दें, गोले लगा देते हैं, गोले लगा देते हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाती है, तो वो उसमें मुझे लग रहा है कि कुछ जगह कंप्लायंस आया है, कुछ जगह उन्होंने अस्थाई पहले 2 दिन बनाया फिर उन्होंने दुकान चालू कर दी, तो उनको चिन्हित करके फिर से उनसे कार्रवाई करा रहे हैं। बैंक में अभी बैंक वालों से बात हुई है कि वो लोग जहां तक हो सके अगर गर्मी का टाइम बढ़ रहा है तो टेंट लगा लें, ताकि जो वास्तव में पीड़ित लोग हैं जो उनको सहायता राशि लेने के लिए आना है उनके बैठने की व्यवस्था हो जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बन जाए और उनको कंफर्टेबल रहे, तो ये भी एक कोशिश कर रहे हैं। और सर जैसे अभी सर आप भी पुलिस ड्यूटी के दौरान आप घर जाते हैं, तो सर वहाँ पे घर पे आपके भी कोई फैमिली चिंताजनक है और आपके जी? बिल्कुल, हम लोग सब परिवार वाले हैं और जो भी फैमिली में है, चाहे मेरे फादर हैं वो भी फोन करते हैं, हमारे भाई लोग हैं वो करते हैं, घर में पत्नी बच्चे को चिंता रहती है, वो पूछते रहते हैं कि आप मास्क लगाए हो कि नहीं, एक आध फोन कर ही लेते हैं वो, तो वो सारी चीज़ें निश्चित तौर पर रहती हैं, तो उनको चिंता रहती है। अभी हमने ये किया कि जनरली एक बार ड्यूटी से जाने के बाद एक ही बार जाते हैं, और जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ये फॉलो हम करते हैं कि हम पूरे कपड़े से लेकर हर चीज़ को अपना अंदर आने के पहले ही उसको धो लें, उसको सैनिटाइज कर लें और पहले सीधे बाथरूम में जाके नहाएं प्रॉपरली साबुन से अच्छे से, और उसको पूरा बांध लें आप, ताकि ऐसा नहीं हो कि आपके सिर में भी संक्रमण हो सकता है, क्योंकि आपका सिर भी खुला रहता है, तो वो सारी चीजें करने के बाद ही फिर अपने घर में परिवारजनों से मिलते हैं। अभी सर फिलहाल में अभी देखा गया है कि जो 500 रुपए जनधन खाते में सभी लोगों के आए, तो उसमें काफी समस्या हो रही है, पब्लिक इकट्ठी हो रही है बैंकों के आगे और उसका सर समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। हालांकि पुलिस चाहती है तो उस टाइम पर लोग डिस्टेंस बना के रख लेते हैं, लेकिन बाद में वो कियोस्क संचालक की और बैंक वाले कुछ उस पर अपनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनके लिए। वो जैसा आप बता रहे हैं 500 रुपए का जो राशि है वो जितने लोगों को दी जा रही है, जनरली बहुत अवेयरनेस की बहुत कमी रहती है उनको, और कहीं ना कहीं उनकी बड़ी आवश्यकता है, तो वो तत्काल ही सुबह से ही, मतलब जैसे उनको बोला गया 11 बजे से राशि मिलेगी, तो भी वो 7 बजे से ही खड़े हो जाते हैं और उनको लगता है कि बाई चांस हम पहले ले रहे हैं, तो इस वजह से कई बार ये दिक्कत आती है। उनका समझाइश में भी
टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो पुलिस लगातार कर रही है। जैसे मैंने बताया अभी यही बात कर रहे हैं कि हम कूपन दे दें ताकि उससे ज्यादा लोगों को, जिनको हम एक दिन में एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, तो सारे कियोस्क वाले या बैंक वाले जब देखें कि क्राउड आ रहा है तो वो कूपन दे दें कि भाई वो अगर 100 लोगों को दे सकते हैं तो 100 लोगों को आइडेंटिफाई कर दें, उनको बैठने की व्यवस्था कर दें या उनका टाइमिंग सेट कर दें कि इस हिसाब से हो जाए ताकि उनको भी कंफर्टेबल रहे, इनके अनावश्यक भीड़ नहीं हो। और रोज इस बात को साझा करें कि किसके अकाउंट में पैसा आया है। जैसे अभी पेंशनर्स के अकाउंट में अभी तक कल तक पैसा नहीं आया था, वो तो लोग ही वो पहुंच लोग गए भी थे। पहुंच गए, वो इंक्वायरी लेने के लिए चले जाते हैं या नीडी, लेकिन अगर वो मिल ही नहीं रहा है तो उनको जानकारी देना चाहिए। तो वो जानकारी देने के लिए बात की गई है, जो मैंने कहा अभी टेंट टू कुछ बैंक ने चालू किया इनिशिएटिव, तो मुझे उम्मीद है कि वो और कुछ करेंगे तो ज्यादा अच्छे से फॉलो हो जाएगा और थोड़ा सा अवेयरनेस फैलेगी कि हो जाएगा। अभी कलेक्टर मैडम ने ये भी चालू किया है कि एक डीसी करके वार्ड वाइज पैसा डिस्ट्रीब्यूशन करें, जो छोटा पैसा है वो वार्ड में जाके वार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करें, और पंचायत में भी कर रहे हैं। पंचायतों में काफी अच्छा, अभी कल भी बड़ा अच्छा रिस्पांस आया था कि वहां पर बकायदा उन्होंने गोले लगा के सोशल डिस्टेंसिंग करके पैसा बांट रहे हैं और गाँव वालों को बाहर निकलने की इतनी दिक्कत नहीं हो रही। अंत में सर जनता से अपील क्या चाहेंगे? जनता से मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा, बहुत सहयोग आप कर रहे हैं। कुछ कुछ पुलिस जब अपना, कई बार हम लोग को थोड़ा सा हार्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं, उसको भी प्रॉपर तरीके से ही लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस सारी कार्रवाई सिर्फ इसीलिए कर रही है, आपके लिए ही करती है, और इस टाइम पे कोरोना की महामारी है तो हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आप सबके अपने पूरी सोसाइटी के लिए और फिर पुलिस वालों की हेल्थ के लिए भी। जो मुख्य मुद्दे हैं मैं कहूंगा कि यथासंभव घर पर रहें, घर पर ही रहें, पहली मेरी आपसे अपील है। दूसरा, अत्यावश्यक सेवाएं जो है अगर उसमें आपको जाना है तो निश्चित तौर पर प्रोटेक्शन किट का इस्तेमाल करें। प्रोटेक्शन किट मतलब आप अपने पूरा कपड़े को ढकें, खास उसे मास्क मुंह में लगाएं और फिर निकलें, और यथासंभव पैदल जाकर अपना सामान ले सकते हैं। और इसमें हमने कोशिश की कि डायल 100 या किसी जगह पे अगर कोई ऐसी बात आती है, किसी की अत्यावश्यक आवश्यकता है तो हम उसको हेल्प कराएंगे। अगर उसकी मेडिकल इमरजेंसी है, कोई बात है, तो 108 से भी उसको जाके हेल्प की जाएगी, मेडिकल टीम के घर भेज देंगे, वो करें। तीसरा है कि जहां पे भी बाई चांस आप निकलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। चौथा कि एक अभी थोड़ा सा हमको अभी, चूंकि हम लोग आप लोगों ने जो व्यवस्था कर रहे हैं उससे हमारे शिवपुरी में अभी कोई फर्दर 2 केसेस के बाद में कोई केस नहीं आया है, और एक केस पूरा तरीके से निगेटिव हो गया, वो घर चले गए, डिस्चार्ज हो गए। लेकिन अभी जो आस पास की जगहों में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो कुछ जगह लेबर क्लास में भी आया है, कुछ जगह पुलिस वालों को भी हुआ है, डॉक्टर्स को भी हुआ है, तो अभी हमको अभी इसमें टाइम अभी और लगेगा, हमको पेशेंस रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, अपने स्वयं के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने परिवार वालों को समझाना पड़ेगा, युवा को खासतौर से समझाना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं किसी भी तरीके से घनी बस्ती में ये महामारी ना जाए। एक मैं हमारे व्यापारी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि हम लोग बिल्कुल आपकी भी मदद का, आपकी दुकानें खुलवा रहे हैं ताकि आप आम जनता को अत्यावश्यक सामान दें। एक दो शिकायतें आ रही हैं कि कई जगह पर इसमें आप फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ जगह ये भी शिकायत आ रही है कि आप गुटखा या नशीले पदार्थ भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो समाज के लिए घातक भी है, और ये अगर पाया जाएगा तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये निश्चित तौर पे हमको गुटखा या इस तरह की पान या इस तरह की अनावश्यक चीजें जो जरूरत नहीं है, जो आप लग्जरी आइटम लेंगे या एक्स्ट्रा आइटम है, वो अगर आप बेचते पाएंगे तो हम मानेंगे कि आप इसका मिसयूज कर रहे हैं, और इस संबंध में निर्देश भी आपको मिल जाएंगे। जहां तक आपका खाने के पैकेट सारे लोग कर रहे हैं, काफी लोगों ने बहुत मदद की, खाने के पैकेट भी दे रहे हैं, लोगों को बांट रहे थे। अभी मेरा ये निवेदन था कि उसमें बहुत सारे लोग, अब संख्या ऐसी नहीं है, जो माइग्रेंट लेबर है जिनको खाने के पैकेट की आवश्यकता हो, और जब आप खाने के पैकेट देने निकलते हैं तो कई बार उनको भी उतनी अवेयरनेस नहीं होती, आप प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं होते हैं, तो उसके बजाय अगर आप ये दे दें, अनाज दे दें, दाल दे दें, चावल दे दें और तेल दे दें, तो वो एक सिस्टम है, यहाँ सीओ साहब उसके नोडल अधिकारी हैं, आप पुलिस को बता दें या उनको बता दें, उनके माध्यम से नीडी आदमी को सामान चला जाएगा, ज्यादा अच्छा है। कई बार इसमें हम अपने से बहुत सारे लोगों को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत मदद करी है आगे आके, और हर चीज में मदद कर रहे हैं, लेकिन कई बार उनको भी जब वो भी संख्या में ज्यादा बढ़ जाते हैं या प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं लिए रहते हैं, और जब पुलिस इंप्लीमेंट करती है तो डाउन द लाइन कई सारी बातों में कंफ्यूजन होता है, तो फिर कई बार अप्रिय स्थिति बनती है।
तो इसमें कोई बात लगती है तो आप पुलिस के अधिकारियों से, प्रशासन के अधिकारियों से बात करके ही जो व्यवस्था आप कर सकते हो उसमें करवाएं, मदद कराएं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब अपना पहला तो खुद की सुरक्षा का ध्यान रखें, खुद हम कोरोना हम संक्रमित नहीं होना चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आदमी एक व्यक्ति नहीं होगा तो उसका परिवार नहीं होगा, परिवार और मित्र नहीं होंगे तो कॉलोनी नहीं होगी, और कॉलोनी नहीं होगी तो शहर नहीं होगा और जिला नहीं होगा। तो हमको ये निश्चित तौर पर ध्यान रखना। एक आखिरी है कि कई लोग पैनिक ये करते हैं कि कुछ लोग बाहर से आ गए हैं, जो लोग बाहर से आ गए इन्हीं के रहने वाले हैं, उनका पहला और फॉरमोस्ट आपका हमारा काम ये है कि उसकी सूचना मिल जाए, उनको एक बार मेडिकल चेकअप हो जाए, उनकी स्क्रीनिंग हो जाए, अगर लगेगा उनकी जरूरत तो उनका ब्लड सैंपल वगैरह भी लेंगे, अब उसकी व्यवस्था हो गई है तो उसमें कोई कमी नहीं है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, सामान पर्याप्त है, अत्यावश्यक सारी वस्तुएं लगातार मिल रही है, इसमें बकायदा पूरे प्रदेश भर में निर्देश जारी है, उनके सबका पालन हो रहा है। तो बिना पैनिक किए अपन एक दूसरे का ध्यान रखें और पूरे समाज का ध्यान रखें, और पुलिस को आप अपना मददगार मानिए, कोई विशेष बात होगी तो आप अगर 100 पर बताएंगे तो निश्चित तौर पर वो हेल्प करेंगे, उसको रोज हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय। तो ये थे शिवपुरी से सरल स्वभाव के जाने माने चेहरे श्री राजेश सिंह चंदेल जी, नमस्कार। ये थे शिवपुरी SP राजेश सिंह चंदेल, जिनसे कोरोना को लेकर खास बातचीत की हमारे सह संपादक सुनील रजक ने।